Yes, good evening, guys. Yes, good evening, Aniket, Pranati, Mamta, Khushi, and Anjali. Good evening, Sandeep. क्या चल रहा है, क्या कर रहे थे लोग मेरे क्लास में? एडवर्ब्स कर रहे थे ना हम लोग. यस, और कहाँ तक किया था हम लोगों ने? व्हाट डिड वी डू लास्ट में? अच्छा, टू का यूज पढ़ा था हम लोगों ने क्या? हाँ, कल हम लोगों ने वेरी और वेरी मच ये भी देख लिया था ना, शायद अपनी क्लास में. नहीं, इनफ वाला बताता हूँ मैं भी. और बाकी हम लोगों ने वेरी और वेरी मच, सो का यूज, ये सब कुछ नहीं देखा था. टू तक किया था, टू थे तो हमने शुरू किया था. ओके, चलो. अच्छा, इनफ वाला यूज देख लिया था हम लोगों ने क्या? इनफ में ये था कि किसी भी, जैसे ही हैज वर्क हार्ड इनफ, ऐसा वाला. देयर इज, इनफ फूड फॉर एवरी वन, देर इज इनफ फूड फॉर एवरी वन. इनफ इस तरीके से हम यूज करते हैं, कैसा होगा ये? दिस इज योर एडजेक्टिव, ठीक है. एडवर्ब की जगह यूज करते हो, एडवर्ब की तरह, तो उसके बाद में आता है ना. टू भी कंप्लीट नहीं हुआ था. अच्छा, हम लोगों ने एडवर्ब्स, क्या कहते हैं, पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स वाला टॉपिक नहीं किया ना अभी? पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स कर लिया? कल हमने पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स किया था शायद. हाँ, पोजीशन ऑफ एडवर्ब किया था. ओके ओके ओके, यार ठीक है. अच्छा, इनफ के हम लोगों ने किसमें, सोनाक्षी इनफ वाला हमने पढ़ा था कल कुछ, इनफ के लिए. तो इनफ को हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं. एंड इनफ को अगर आपको इसे यूज करना है एडवर्ब की तरह, या एडवर्ब की तरह यूज करेगा, तो ये क्या होता है, वर्ब के याद होगी हमारा एडवर्ब उसके बाद में आएगा, ठीक है. जनरली एडजेक्टिव के बाद में भी बोला जाता है ना, जैसे ही इज काइंड इनफ. टू इग्नोर स्मॉल मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, ऐसा कुछ. ठीक है, ही इज काइंड इनफ. अब आपका ये क्या काइंड यहाँ पे क्या है, अगर किसी पर्सन के लिए बोलो ही इज काइंड, तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एडजेक्टिव, ठीक है. और ये नाउन एडजेक्टिव के आगे आप यूज कर रहे हो, तो ये किसकी तरह यूज हो रहा है, दिस इज योर एडवर्ब, ठीक है. नाउन से पहले यूज होता है जब ये इनफ काम करता है एडजेक्टिव की तरह, और जो हमारा वर्ब है एडजेक्टिव है, इसके बाद में यूज होता है ये, ठीक है. ऐसे बोलते ना, ही हैज वर्क हार्ड इनफ फॉर द एग्जाम. ही हैज वर्क हार्ड इनफ फॉर द एग्जाम, ठीक है. तो दिस इज योर वॉट, दिस इज योर एडवर्ब, है ना. हार्ड इनफ मतलब उसने काफी मेहनत करी है. अब यहाँ पे वर्क इज वॉट, दिस इज अ वर्ब, और हार्ड में यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, ठीक है. और ये इनफ इसको ही क्वालिफाई कर रहा है, यानी इनफ भी हमारे आपके यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ही है, ठीक है. क्लियर हुआ सोनाक्षी? यही देखना था मैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, टू में हम लोगों ने जैसे कंप्लीट नहीं किया था, तो टू में हम लोगों ने क्या देखा था, लेट मी राइट इट. टू में हम लोगों ने ये लिखा था कि इसे हम यूज करते हैं अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ में, ठीक है. इट इज यूज विद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स एंड
ठीक है, पहले तो ऐसे अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ यूज करेंगे। दूसरा है टू का मीनिंग जो होता है एक्चुअल में, कहीं पे भी हम लिखते हैं इट मींस मोर देन रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, इसीलिए जब भी हम इसे ऐसे बोलते हैं ना किसी, जैसे आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि मैं तुमसे मिलके या मैं आपसे मिलके इतना खुश हूं जितना नहीं होना चाहिए, इट वॉन्ट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, इसलिए हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं। जनरली हमें जब भी यूज करना होता है तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वेरी यूज करते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि नेगेटिव के साथ, जैसे कोई चीज ज्यादा गर्म है, दिस इज टू हॉट। टू हॉट मतलब कॉफी ऑफ कोर्स हमें गर्म चाहिए होती है, लेकिन इतनी गर्म भी नहीं कि हम पी ना पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा रुक के पियेंगे, तो इट्स टू हॉट, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा गर्म है, मोर देन रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई भी चीज इस तरीके का हम लोग यूज करते हैं टू, जहां पे कोई चीज रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो हम लिखते हैं उसे इस तरीके से। सो ग्लैड कब आता है, अभी हम बताते हैं सो ग्लैड कब आता है, सो ग्लैड हम कब यूज करेंगे। ठीक है, बस मैं टू के बाद नेक्स्ट इसी पाऊंगा अभी। ऑल्दो अभी मैं बताऊंगा आपको कि सो ग्लैड केवल इतना ही यूज नहीं करते हम, सो को किस तरीके से यूज करते हैं ये भी देखेंगे हम लोग। चलिए, नेक्स्ट इसमें यूज आता है कि टू के साथ हम लोग कभी कभी पॉजिटिव भी यूज कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा प्लेजेंट एडजेक्टिव है वो भी आ जाता है। कुछ केसेस होते हैं, पता है टू ग्लैड का मतलब बहुत ज्यादा खुश नहीं, टू ग्लैड का मतलब होगा इतना ज्यादा खुश जितना नहीं होना चाहिए। थिंक अबाउट इट, टू का यूज, टू का मतलब केवल बहुत ज्यादा नहीं है, वेरी ग्लैड का मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा खुश। ठीक है, लेकिन जब टू यूज कर रहे हो तो इसका मतलब मोर देन रिक्वायर्ड। ठीक है, आई एम टू हंग्री, आई एम टू हंग्री, ये चल जाएगा मेरे ख्याल से अगर आप नेगेटिव में है ना। आई एम टू हंग्री मतलब, अच्छा सरकास्टिकली बोल सकते हैं ऐसे ना, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। ठीक है, ठीक है, अभी सरकास्टिकली तो वैसे बोलते हैं दिस इज टू गुड, लाइक टू स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी टू स्मार्ट, ही इज टू स्मार्ट। देखो क्या होता है, एक इसका यूज होता है टू प्लस वी वन, यानी कि सेंटेंस में टू प्लस वी वन भी आता है। ऐसे केस में हम लोग इसका पॉजिटिव यूज करते हैं, जैसे आप ऐसे बोलोगे ना एक सेंटेंस, जैसे ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, क्या मतलब होगा इसका, व्हाट डज इट मीन, ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड। He is so intelligent that he cannot be cheated. बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा प्रणति देखो, सो का मतलब पूछ रहे थे ना, सो के साथ आपने तो दैट लगाया ना, हम यही पढ़ेंगे अभी आगे कि सो के साथ हम दैट लगा के सेंटेंस को लिखते हैं। नो वन कैन चीट हिम, बिल्कुल, वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसे चीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसे चीट नहीं किया जा सकता। वैसे इस तरीके की चीजें बोलती है, इसमें क्या क्या होता है, देखो आप पॉजिटिव के साथ इसे यूज कर रहे हो, इसमें एक नेगेटिव एलिमेंट आता है जो बोलता है कि ये चीज इतनी ज्यादा है कि ऐसा नहीं कर सकते। जैसे आप बोलते हो, ये सुना होगा बहुत ही कॉमन सा स्टेटमेंट है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, इस तरीके से बोलते हैं कि न्यूज इतनी अच्छी है कि बस विश्वास नहीं हो रहा उस पर, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, द मूवी इज टू गुड टू मिस, द मूवी इज टू गुड टू मिस। ठीक है, तो यहां पे अगली चीज है कि इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई भी चीज इस तरीके से आप यूज कर रहे हो कि उसे मिस नहीं कर सकते, न्यूज इतनी ज्यादा अच्छी है कि उस पर विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा वाला। ठीक है, कि लगी नहीं रहेगी वो ठीक होगी, तो इस तरीके से आप इसे यूज करते हो टू प्लस वी वन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट यूज आता है इसमें टू को हम लोग यूज करते हैं कई बार, ये वाला तो क्लियर हो गया होगा सबको है ना। नेक्स्ट आता है हमारा टू मच एंड मच टू। ठीक है, टू मच एंड मच टू,
हम लोगों ने जनरली टू मच का ही यूज देखा है. देखो टू मच के साथ क्या होता है, टू मच इज यूज विद अ नाउन. ठीक है, नाउन के साथ आप यूज करते हो एंड मच टू इज यूज विद एन एडजेक्टिव. ठीक है, हम लोगों ने जनरली टू मच का यूज ही देखा है, कहीं भी हम लोग यूज करते हैं दिस इज टू मच बोलने वाला था. ठीक है, तो किसी भी चीज के साथ आप यूज करते हो तो टू मच इसी तरीके से लिखते हो किसी नाउन के साथ में. जैसे एक सेंटेंस लिखा जाए, अगर यहाँ पे इफ आई राइट अ सेंटेंस हिज वर्ड्स गेव मी टू मच पेन. ठीक है, अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि पेन यहाँ पे क्या है, इट इज अ नाउन, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये. ठीक है, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, टू मच. ठीक है, दिस इज अ नाउन हियर, इसका हम टू मच लगाएंगे. अगर एक सेंटेंस लिखा जाए ऐसे, हिज वर्ड्स वर टू मच पेनफुल. ठीक है, हिज वर्ड्स वर टू मच पेनफुल. अभी सुनने में तो सही लग रहा होता है, लेकिन आपको पता है पेनफुल क्या है यहाँ पे, पेनफुल इज एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ हमने क्या पढ़ा, क्या लिखा जाएगा, मच टू, इसकी जगह आ जाएगा हिज वर्ड्स वर मच टू पेनफुल. ठीक है, हिज वर्ड्स वर मच टू पेनफुल. तो इसी तरीके से आपको इसे करना है, यानी कि हम लोग इसे फॉलो करेंगे इस रूल को कि टू मच हम यूज करते हैं किसी के साथ में, नाउन के साथ में, एंड मच टू विल बी यूज विद एन एडजेक्टिव. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो गेट अ क्वेश्चन, किस तरीके से इस पर सवाल मिलेगा वो देखते हैं. समझ में आया तो बता दे रहेगा, साथ में से समझते हुए चलेंगे. ठीक है, टू को वेरी से कब रिप्लेस करेंगे, अरे कभी भी नहीं करेंगे, टू को वेरी से रिप्लेस नहीं करना था, वो मैंने बस इतना बताया था यहाँ पे कि आप पॉजिटिव के साथ में टू यूज नहीं करते हो, बस ये था. मतलब अगर आप ऐसे बोलना चाह रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम टू हैप्पी, नहीं बोला जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी बोला जाएगा. ठीक है, दिस इज टू गुड, अगर कोई चीज सच में अच्छी है तो आप उसके साथ ऐसे नहीं बोलोगे दिस इज टू गुड. लोग हालांकि बोलने में यूज करते हैं, बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है. ठीक है, तो आप इस तरीके से नहीं बोलोगे, आप बोलोगे दिस इज वेरी गुड. ठीक है, तो इसीलिए तो टू रिप्लेस नहीं करेगा, बस ऐसा है, क्योंकि टू का मतलब हमने क्या पढ़ा था, मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जरूरत से ज्यादा. तो कोई चीज सच में अच्छी है ना, तो उसे जरूरत से ज्यादा अच्छा, मैं हमेशा बोलता हूँ जरूरत से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होता, अच्छा ही है बस. ठीक है, अच्छा तो अच्छा है, मतलब जितना अच्छा उतना अच्छा है, क्या बोल रहा हूँ, जितना अच्छा उतना अच्छा, इंसेप्शन जैसा बन गया अच्छा कई वाला, इंसेप्शन एज एन मूवी वाला इंसेप्शन. टू मच मेरे दिमाग में वाली बात भी आ रही थी. एंड देन देर इज वन मोर थिंग, कि ऐसा होता नहीं कि मैंने बोला कि कुछ ज्यादा अच्छा, जरूरत से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होता, लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छा होता है. और कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है, मतलब ये बहुत ही कॉमन है ये वाला, ये बिल्कुल सच्चाई है कि दिस, ये वाला सेंटेंस था ना ऊपर, कौन सा, दिस द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू. लाइक समटाइम्स पर्सन आर लाइक पीपल, वो भी इस तरीके होते हैं ना. मैंने पूरी देखी नहीं मूवी, क्या देखना फिर से अच्छी हो तो, वो तो मेरे को समझ में आ गई थी. ठीक है, उसके बाद आई वॉच्ड टेनेट, पूरी देखा, वो ही पसंद थी, पूरे देखे वो समझ में आएगी, वो सही है. टेनेट देखी थी अभी, तो वो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा, ओके ठीक है, बिकॉज मैं चाह रहा था एक सेटिंग में देखूँ, लेकिन मैंने वो भी तीन चार बार में देखी, ऐसे थोड़ा भी थोड़ा भी थोड़ा भी ऐसा करके. तो मेरे को लग रहा है वो तो नहीं होना चाहिए ऐसी मूवी के साथ में, क्रिस्टोफर नोलन की बेइज्जती होगी इस पे. तो लाइक तब जाके थोड़ा बहुत, लेकिन ऑल तो मैंने पूरी देखी, तब थोड़ी थोड़ी बहुत क्लियर हुई, लेकिन बहुत पेशेंस ही होता है लास्ट तक, तब समझ में आता है. कैसा वो टेनेट वाला, जैसा पास्ट एंड हाँ यस यस यस, अलग ही दुनिया में चला गया वो, बिल्कुल.
क्रिस्टोफर नोलन अलग ही लेवल पे है दिमाग उसका, काफी मजा आता है उसकी मूवीज, इसीलिए पसंद है। बट इट वाज नाइस, चीजें सही करना पास्ट में जाके, नहीं वर्ल्ड वॉर थ्री वाली, अच्छा वर्ल्ड वॉर थ्री रोकने के लिए, यस वैसा सही कुछ, जिसमें वर्ल्ड वॉर थ्री की बात चल रही थी कि एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर थ्री में न्यूक्लियर वॉर है या क्या है, थोड़ी सी बात की गई है इस बारे में। या चलिए, हाँ तुम बात करते कुछ ज्यादा अच्छे वाली चीज, ऐसा होता है समटाइम, कुछ लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि लोग इतना अच्छा वेट कर रहे होते तो मैं लग ही नहीं रहा होता, ये तो सच हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा तो कोई नहीं होता। ओके, दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल, बट टू मच स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल ऑफ अस। ठीक है, इस तरीके से मिल सकता है क्वेश्चन, तो यहाँ पता है इसमें क्या करना है। अरे नहीं, प्रणति कुछ और बताओ इसके अलावा, मच टू स्मॉल, यस बिल्कुल सही, दिस इज व्हाट, दिस इज एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव के साथ हम लोग क्या लगा लेंगे, मच टू, करेक्ट। ठीक है, दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल बट मच टू स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो टू मच की जगह आ जाएगा मच टू। हाँ कभी यूज नहीं किया है, पता है मेरे को लगता है ना, कभी यूज नहीं किया और एकदम नई चीज लग रही है तो याद भी रहने में आसानी रहती है, फिर मतलब अलग सी चीज है ना तो वो दूर से पहचान में आ जाती है, ऐसा है। तो अब ध्यान रखा जाएगा इस चीज को कि अगर एडजेक्टिव के साथ आप लगा रहे हो तो आप क्या लगाओगे, मच टू, ठीक है, और टू मच आएगा नाउन के साथ में। चलिए, इसे याद रखने की कोशिश करी जाएगी, दोबारा पढ़ेंगे तब भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा देखो टू को थोड़ा सा और देखते हैं, टू में एक अर्ली टू, ठीक है, ओनली टू का मतलब होता है वेरी, और नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी। ठीक है, तो अगर अगर कोई बोलता है ऐसे, आई एम ओनली टू ग्लैड टू मीट हिम, ठीक है, तो सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि ओनली टू का मतलब क्या होता है, वेरी। ठीक है, आई एम ओनली ग्लैड, आई एम ओनली टू ग्लैड टू मीट हिम, इसका मतलब आई एम वेरी ग्लैड टू मीट हिम, सेंटेंस इज करेक्ट। और दूसरा सेंटेंस में लिख देख सकते हैं, जैसे दिस बुक इज डन टू गुड, ठीक है, दिस बुक इज डन टू गुड, यानी बुक ज्यादा अच्छी नहीं है, नॉट वेरी गुड, दिस बुक इज नॉट वेरी गुड, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो सेंटेंस में याद ही यूज, बस ये यूज समझाने के लिए है कि किसी सेंटेंस में अगर इस तरीके से लिखा होता है तो वो गलत नहीं होगा, वो सही होगा, ठीक है, और याद भी रहेगा, डोंट वरी, पढ़ने के बाद इससे याद रहना भी शुरू हो जाता है, दो तीन बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है बस, तो यू विल रिमेम्बर दिस थिंग, कभी क्वेश्चन देखोगे तो। ऑल द बहुत अजीब सी चीज है, अगर हम लोग जनरली इसे पढ़ते नहीं तो फिर नया लग रहा होता है एकदम। यूज नहीं करते एकदम, इसे बोलने में भी हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, बोलने में तो कोई नहीं करता, दीज आर नॉट यूज ऑफनली एज वेल, या इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है। और नन टू गुड, ये मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग पढ़ रहे एग्जाम के हिसाब से रहे हैं और उस तरीके के सेंटेंसेस हमें तभी ये देखने को पढ़ने को मिल सकता है, वरना तो जनरली लोग इसकी तरफ नहीं आते, कुछ और ही बोलना पसंद करते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ओनली टू,
ऐसा होता है इस तरीके कोई सेंटेंस देखने के बाद मेरे को फिर ऐसा लग रहा होता है जैसे नन टू है, ये तो फ्रेज जैसे ही काम कर रहा है, नॉट वेरी गुड याद रख लो बस इसका मीनिंग ऐसा है, ओनली टू गुड तब भी लग रहा है, ओनली टू ग्लैड अगर बोला जा रहा है, मैं केवल काफी खुश हूँ बस, और दो से जस्टिफाई नहीं कर सकते, लैंग्वेज से समझाना बहुत मुश्किल काम है। ओके अब हम आते हैं सो के यूज पे, टू के वाले यूजेस थे और टू के यूजेस, एक तो टू का यूज वो हमें पता है ऑल्सो वाले सेंस में, ये तो आप लोगों ने शायद बताया था कल है ना, he too is coming with us, John too is going to the party, यानी वो भी जा रहा है, तो वो also वाले sense में हो गया, और ये वाला use हो गया। Next आता हमारा so, देखो अगर ऐसे बोला था ना, I am so happy, ठीक है, yeah, he is so rich, ये सेंटेंस गलत होते हैं, so को आप इस तरीके से यूज नहीं करोगे, ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे so is used relatively, जब भी इस तरीके से यूज किया जाना है ना, जब हम लोग एम्फसाइज बोलना चाह रहे हैं, मतलब किसी चीज को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं कि वो इतना ज्यादा ऐसा है, ठीक है, तो so is used relatively and it is followed by and it is followed by that, इस तरीके से आप जब भी यूज करोगे तो क्या लगेगा उसके साथ में, दैट लगेगा, ठीक है, सो के साथ में दैट आएगा। अब देखो क्या होता है, जब हम लोग बोल रहे ना आई एम सो हैप्पी, तो एक्चुअली में इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ, इसका मतलब हो रहा है मैं इतना खुश हूँ, तो बताना पड़ेगा कितना। सिमिलरली ही इज सो रिच, तो वो इतना रिच है तो बताना पड़ेगा कितना। यहाँ पे तो अगर एक जनरल सेंटेंस बोलना है ना, तो वहाँ पे आप वेरी बोल सकते हो बस, कि अगर आपको बोलना है कि वो बहुत रिच है या वो बहुत हैप्पी है ऐसा, ठीक है, और ना आप ऐसे बोलोगे ही इज सो रिच दैट, ठीक है, अब दैट लगा के आप बताओ आगे कि जो भी आपका स्केल है नापने वाला, ही सो रिच दैट ही कैन बाय प्राइवेट आइलैंड, थोड़ा और अमीर करें से, एवरी मंथ, चलो ठीक है, काफी ज्यादा कर दिया अब तो, ही सो रिच दैट ही कैन बाय अ प्राइवेट आइलैंड एवरी मंथ, ठीक है, तो दैट लगा के इस तरीके से आप रिलेट करके यूज करोगे सो को, ठीक है, और वैसे आई एम सो हैप्पी दैट आई फील लाइक डांसिंग, ऐसा कुछ, ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन यूज सो द सेंटेंस, समझ आ गई, यस, चलिए नाइस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। अब देखो क्या होता है, ये तो हो गया सो का यूज, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरी, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि सो की जगह अगर आप जनरली यूज कर रहे हो तो वेरी यूज कर सकते हो पॉजिटिवली इम्फेसाइज करने के लिए बहुत ज्यादा वाले सेंस में, ठीक है, तो साथ में देखते हैं हम लोग वेरी और मच का यूज, ठीक है, कि कैसे कैसे करते हैं। वेरी इज यूज विद पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की बात चल रही है ये तो आपको पता ही है, ठीक है, कि वेरी अगर एडवर्ब की तरह यूज करते हो आपको पता है एडजेक्टिव के साथ ही आता है, ठीक है, तो वेरी इज यूज विद पॉजिटिव डिग्री, और मच किसके साथ यूज होता है, मच इज यूज विद कंपैरेटिव डिग्री, वेरी इज यूज विद पॉजिटिव डिग्री व्हाइल मच इज यूज विद कंपैरेटिव डिग्री, क्या मतलब होगा, जैसे ही इज वेरी वाइज, ठीक है, ही इज वेरी वाइज, ही इज वेरी स्मार्ट, कुछ भी इस तरीके का बोलते हो, और कंपेयर अगर करना है, ठीक है, कंपैरिजन में अगर उसको कंपेयर, हाँ तो मच वाइजर, यस संदीप बिल्कुल, ठीक है, ऐसे बोल सकते, ही इज
शी इज वेरी हेल्पफुल. ठीक है प्रणति, बिल्कुल सही. ठीक है, ही इज मच वाइजर देन हिज फ्रेंड्स, है ना. ही इज मच वाइजर देन हिज फ्रेंड्स. तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो. दिस इज योर कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद मच आएगा. ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में. कंपैरेटिव डिग्री देखा जब हम लोग प्रोनाउंस में कोई सेंटेंस आया था एक बार, ठीक है, तो हम लोगों ने इसे पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप मच लगा लेते हो. एंड इसी वजह से हम लोगों ने पढ़ा था कि मच मोर साथ में आ जाता है. ठीक है, कि मच मोर भी हम साथ में लिख लेते हैं बिकॉज मच आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज कर ही लेते हो और हमारी कंपैरेटिव डिग्री ही हुई, उसके बाद आप इसे यूज कर लोगे. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू यूज वेरी एंड मच इन अ सेंटेंस. अब देखो क्या होता है. एक होता है तरीका जब हम लोग किसी चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं, वहां हम वेरी मच यूज कर रहे हैं साथ में. ठीक है, थैंक यू वेरी मच होता है एक, तो दैट्स वन थिंग. ठीक है, वेरी मच जब भी आप यूज करोगे किसी चीज को क्वालिफाई करने के लिए, वेरी मच के साथ में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री ही आती है, मतलब कुछ और नहीं आएगा. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री ऐसा कुछ नहीं, कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, जैसे ही इज वेरी मच वाइजर देन ऑल द अदर पीपल. ठीक है, मैं सोच रहा था भी आगे क्या लिखूं, देन ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी, कुछ भी लिखने वाला था. जब एक रैंडम सेंटेंस होता है ओपन एंड के साथ में कि आगे क्या लिखा जाए, मेरे को असीमित संभावनाएं दिख रही होती है कि क्या क्या लिख दिया जाए, मैं कुछ भी लिख देता हूँ. सेंटेंस समझ में आ गया फिलहाल. ठीक है, तो वेरी मच इज यूज विद कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, लाइक मच वाइजर भी सही है, लेकिन वेरी मच वाइजर भी ठीक है. आपकी मर्जी, आप कितना ज्यादा एम्फसाइज करना चाह रहे हो सामने वाला, और सामने वाला इंसान कितना ज्यादा वाइज है उस पर भी डिपेंड करता है, उस हिसाब से यूज करो. यस, ओके. लीजिए, ओके, नो प्रॉब्लम. चलिए फिर आगे बढ़ा जाए क्या. देखो एक और चीज आती है, वेरी का यूज होता है, वेरी इज यूज विद प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, एंड मच इज यूज्ड विद पास्ट पार्टिसिपल्स. ठीक है, वेरी को यूज करते हो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में, मच को यूज करते हो पास्ट पार्टिसिपल के साथ में. पार्टिसिपल्स याद होंगे क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स V1 वर्क, V1 नहीं, V plus ING works as an adjective, वो होता है हमारा present participle. और past form में V2 या V3 mostly use करते हैं हम लोग. V3 अगर काम करता है हमारा adjective की तरह, उसे बोलते हैं हम लोग past participle. Yes, ठीक है. तो अब जैसे लिखा जाएगा, the match was interesting. So the match was, अगर वैसे बोलते हैं, the match was very interesting. The match became very interesting. ठीक है, यहाँ पर जो interesting ये जो word आ रहा है, ये हमारा क्या है, present participle, verb plus ing. ठीक है,
जो कि मैच की क्वालिटी बता रहा है, और इसके साथ आप यूज करते हो वेरी, ठीक है। और मच यूज करते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ में, जैसे ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड गलत होगा, ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड सही होगा। बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। देखो हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास एक शब्द है वेरी, जैसे हम हर चीज के साथ यूज कर लेते हैं, मतलब हर जगह हमें बिल्कुल कॉमनली, ठीक है। हम ज्यादा इसमें मतलब विदाउट गिविंग इट अ थॉट कि भाई यूज करना है नहीं करना है, ज्यादा फर्क किसी को पड़ता ही नहीं है, ठीक है। वेरी मच डिसअपॉइंटेड आ सकता है वेरी मच, क्योंकि यहाँ पे आप वेरी यूज कर रहे हो मच के साथ में, ठीक है। ही वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड चल जाएगा ये वाला, ठीक है। मैं इसको पॉइंट दे दूंगा, ही वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मच को क्वालिफाई करने के लिए हम वेरी यूज कर सकते हैं, इट्स फाइन। तो ठीक है, और तो हम लोगों ने देखा था कि वेरी मच साथ में कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आएगा, लेकिन वो एडजेक्टिव उस वाले सेंस में आएगा। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो मच को क्वालिफाई करने के लिए वेरी यूज कर ही सकते हैं, इसलिए अलग, ठीक है। ठीक है, चलो फिर आगे नेक्स्ट आता है इसमें। अब देखो पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम लोग मच यूज करेंगे। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, सम पास्ट पार्टिसिपल्स आर क्वालिफाइड यूजिंग वेरी। कुछ होते हैं पास्ट पार्टिसिपल जिनको क्वालिफाई कराया जाता है किसके साथ में, वेरी के साथ में ही, मतलब उसके लिए आप कोई यूज नहीं करोगे, उनके साथ में मच नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, जैसे वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब वेरी सैड है ना, वेरी कंटेंटेड, very discontented, very drunk, very limited, very delighted, ठीक है। इनके साथ आप यूज करते हो वेरी प्लीज भी लिख रहे इसमें, ठीक है। तो इसके साथ में यूज के लिए जाता है वेरी, ठीक है। बाकी मोस्टली हर जगह हम लोग क्या लिखते हैं, मच लिखते हैं पास्ट पार्टिसिपल के साथ में, ठीक है। और इसकी टेंशन मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी याद करने में, क्वेश्चंस में जितने यूज होंगे सेंटेंसेस मतलब एग्जाम्पल्स हम जितने देखेंगे उतने ही यूज होंगे ये, और बहुत ज्यादा अनलिमिटेड जैसा नहीं है इसका सीन, ठीक है। तो इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सब जगह मच आएगा, इन जगहों पे वेरी आएगा बस, ऐसा है, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, समझ में आएगा थोड़ा बहुत, दिमाग मान पा रहे हैं चीजों को, चलो सही है फिर तो, ये जरूरी है दिमाग का मान पाना। एक्सेप्शंस में से काफी सारे मच के यूज के लिए एक्सेप्शंस में जो है वो मच यूज किया देखा है उनके साथ में, ऐसा
ठीक है, तो विद के साथ वेरी आएगा, वो याद रखा जाएगा इसका मतलब। ठीक है चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरे एडजेक्टिव का यूज में, एडवर्ब का यूज समझते हैं। जैसे नेक्स्ट आता है हमारा, अगर एक सेंटेंस दिखाया था ना, जैसे ही इज क्वाइट ऑल राइट, ठीक है, आई वोंट कॉल इट एज अ रूल, लेकिन क्वाइट और ऑल, मतलब ये दोनों ही क्या है, एडवर्ब की तरह यूज करते हो राइट के लिए। इज ऑल राइट बोलो या फिर इज क्वाइट क्वाइट राइट बोलो, क्वाइट ऑल राइट नहीं, लेकिन बोलने में क्वाइट ऑल राइट यूज किया जाता है, ये तो पता है, तो ये गलत हो जाएगा। या तो आप एक चीज बोलोगे क्वाइट राइट, ठीक है, या फिर ऑल राइट, ठीक है, दोनों में से एक चीज आती है हमेशा, क्वाइट ऑल राइट नहीं। अच्छा, क्वाइट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्वाइट, ठीक है, जैसे ही इज क्वाइट स्मार्ट, probably no, he was quite cool, completely yes, ठीक है। quite को जब भी आप use करते हो ना, मैं बताता हूँ reason क्या होता है। actually quite एक word होता है quiet, ठीक है, तो प्रणति quiet नहीं लिखा जाएगा ना, quiet होगा। एक तो हम लोग ये लिखते हैं quiet, इसका मतलब होता है शांत, ठीक है, this is for शांत, और क्वाइट यूज करते हम लोग कंप्लीटली और परफेक्टली ऐसा। तो इज परफेक्टली स्मार्ट या इज कंप्लीटली स्मार्ट, उस सेंस में यूज करते हैं ऐसे, ठीक है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट नहीं, मतलब ठीक है वो काफी स्मार्ट है ऐसा वाला, पूरी तरीके से स्मार्ट है, परफेक्टली परफेक्टली लिखने का मतलब ये हो गया वो काफी स्मार्ट है, ऐसा ही सेंस में यूज किया था, इज क्वाइट स्मार्ट, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं। होता क्या है ना, जैसे हम लोग क्वाइट यूज करते हैं, क्वाइट का मतलब होता है शांत, तो कई बार अब आपका पता नहीं, मेरे दिमाग में तो ऐसा आता था क्लास में तो छोटे थे, तो जैसे क्विक अगर हम बोले स्मार्ट, इसका मतलब थोड़ा सा स्मार्ट है, क्योंकि क्वाइट का मतलब शांत होता है, तो अभी क्वाइट और क्वाइट उस टाइम पे सेम लगते थे, ठीक है, स्कूल टाइम पे, तो वो थोड़ा सा आइडिया दिमाग में कई बार आता है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि क्वाइट स्मार्ट का मतलब थोड़ा स्मार्ट है या फिर थोड़ा सा कुछ है, वो इसीलिए लगता है क्योंकि दिमाग में हमारे इफेक्ट होता है इस वाले वर्ड का, इस वाले वर्ड, यानी क्वाइट मतलब शांत, शांत मतलब शायद थोड़ा सा स्मार्ट होगा ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये अलग वर्ड है क्वाइट, ऑफकोर्स सब तो पता ही सबको, और इसका मतलब हो जाएगा कंप्लीटली और परफेक्टली, ठीक है। अच्छा, होता था कभी ऐसा नहीं कि क्वाइट का मतलब शांत वाला है, तो शायद हम रिलेट कर पा रहे हैं, लगता है मतलब ये रीजन रहा होगा। करेक्ट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। Quite all right. चलिए ये तो एक साथ यूज कर लेंगे। नेक्स्ट आता है कुछ वर्ड, जैसे हम लोग यूज करते हैं fairly and rather, ये कब यूज किया जाता है, देखो इसमें केवल एक ही चीज समझना सही रहेगा। fairly हम यूज करते हैं when the condition is, कंडीशन सिचुएशन जो भी कुछ बात चल रही हो जिस भी चीज की, when the condition is favorable, ठीक है, जब चीजें आपके फेवर में हैं, जब सही चल रहा है सब कुछ, तो आप यूज करते हो fairly. Rather is used when the condition is unfavorable. When the condition is unfavorable. ठीक है, तो आप यूज करते हो rather. Favorable के केस में आएगा fairly and rather, ठीक है, अब कैसे यूज किया जाएगा, जैसे weather is अब देखो यहां पे sentence है ना, the weather is fairly cold, let's go outside, ठीक है, the weather is rather cold,
let's stay inside. समझ में आ गया मीनिंग फेलियर रादर का. जैसे ये वाला वर्ड होता है ना, कई बार यूज करते हैं लोग समवॉट. समवॉट कब बोलते हैं एक साथ में हम लोग? दिस इज समवॉट हॉट, दिस इज समवॉट कोल्ड. ठीक है, फेयरली कोल्ड या सम, नहीं समझा. अरे फेयरली कोल्ड का मतलब ठीक ठाक गर्म है, ठीक ठाक गर्म वाले सेंस में यूज करते हैं. ठीक है, सॉरी ठीक ठाक ठंडा है, गर्म फेयरली कोल्ड ठीक ठाक ठंडा है. और चलो बाहर चलते हैं. फेयरली का मतलब ऐसा होगा, फेयरली जब भी आप यूज कर रहे हो उसका मतलब कंडीशन नहीं, कंपेरेटिवली नहीं, नो नॉट कंपेरेटिवली. अरे एक चीज देखो जरा, एक तो हो गया समवॉट. समवॉट क्या होता है? मौसम कुछ ठंडा है. ठीक है, मौसम कुछ ठंडा है भी समझ में नहीं आ रहा मैं कि अच्छी बात है या बुरी बात है. फेयरली से इसी समझ में आ जाएगी. फेयरली से समझ में कब आ जाएगी कि भाई जैसे आपने कॉफी मंगाई और कॉफी आपने गर्म मंगाई और आपसे मैं आपसे पूछता हूँ कॉफी ठंडी तो नहीं हो गई? आप कहोगे नहीं ठीक ठाक गर्म है, मतलब हाँ जितना गर्म चाहिए था उतना है. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? द कॉफी इज फेयरली हॉट. ठीक है, यानी कंडीशन फेवर में है, जैसा चाहिए था उतना ही है, हाँ ठीक ठाक गर्म है. ठीक है, वैसे ही द वेदर इज फेयरली कोल्ड, लेट्स गो आउटसाइड. मान लो गर्मी का मौसम चल रहा है एंड बाहर मौसम अच्छा हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया, तो आप बोलोगे द वेदर इज रेदर फेयरली कोल्ड, लेट्स गो आउटसाइड. नीचे मैंने उसी चीज में कंडीशन पलट दी, मान लो का मौसम है, तो आप क्या बोलोगे? द वेदर इज रेदर कोल्ड, लेट्स स्टे इनसाइड. तब आप बाहर जाने का नहीं बोलोगे. अब क्या हुआ प्रगति, समझ में आया? तो बस यहाँ पे ऐसा है कि आप किसी भी जगह पर अगर आप से यूज कर रहे हो तो ये कंडीशन डिफाइन कर रहा है, रादर बेटर देन एक्सपेक्टेड. ठीक है, ज्यादा कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इसे डिफाइन करने की वर्ड को. ठीक है, तो फेयरली का मतलब हो जाएगा ठीक है, रादर देन एक्सपेक्टेड, बेटर देन एक्सपेक्टेड है ना, बेटर देन एक्सपेक्टेड. व्हाई बेटर देन एक्सपेक्टेड? अगर रादर से बेटर होगा, एक्सपेक्ट किया है उससे बेटर होगा, तो फिर तो अच्छा हो गया ना. फिर तो राधा तो पॉजिटिव सेंस में आना चाहिए ना फिर तो, लेकिन राधा तो नेगेटिव में आता है. फेवरेबल हो जाएगा फिर तो. हाँ वही तो बोल रहा हूँ, फिर तो ये फेवरेबल हो जाएगा, सही चीज हो जाएगी फिर तो ये. अब मैं बताता हूं, अगर एक्सपेक्टेड वर्ड से लगाना है ना तो ऐसा बोल सकते हैं, फेवरेबल में हो जाएगा एज एक्सपेक्टेड, जैसा चाहिए था वैसा है. फेवरेबली, सॉरी फेयरली, फेयरली के लिए बोल सकते हैं एज एक्सपेक्टेड. ठीक है, और रादर के लिए बोलेंगे जैसे एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, उस तरीके का है, नेगेटिव है. तो व्हेन समथिंग इज लाइक फेवरेबल और मजेदार है, ठीक है, तब आप यूज करते हो फेयरली. समझ में आ गया. अच्छा एक और चीज है, जैसे मैं अलग जो वर्ड लिख रहा था यहाँ पे समवॉट, देखो समवॉट पता है कब यूज करते हैं? दिस इज समवॉट, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में ऐसे कि ये कुछ कुछ ऐसा है, ये कुछ कॉफी कुछ ठंडी है. ओह गॉड, रादर नहीं, रादर तो मतलब सरप्राइजिंगली भी नहीं होगा. अब मैं बताता हूँ आपको क्या है. देखो ठीक है, अगर ऐसे समझना है फेयरली, ठीक है फेयरली, समवॉट ये समझ लो, समवॉट अगर एक न्यूट्रल वर्ड है ना तो उसका पॉजिटिव वर्जन है फेयरली, नेगेटिव वर्जन है रादर. मतलब वही होगा कि मौसम कुछ गर्म है, अगर वो कुछ अच्छा है तो फेयरली बोला जाएगा, अगर वो कुछ बुरा है फेवर में नहीं है तो रादर बोला जाएगा. ये इसका मीनिंग होगा. ठीक है, आई वुड रादर स्टे इनसाइड देन गो आउटसाइड इन दिस वेदर. वो वुड रादर वाला सीन अलग होता है, वो भी हम देखेंगे अभी. ठीक है, ये फेयरली और रादर वाला है. यस, अब लेट मी सी. लेट्स स्टे इनसाइड से पता चल रहा है कि अनफेवरेबल है बाहर. यस 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 संदीप, बिल्कुल सही. ठीक है, इसी से पता चल रहा है. ठीक है,
मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, ठीक है? अभी सेंटेंस देखते हैं, लेट मी सी इफ वी हैव एक्सरसाइज ऑफ दैट थिंग हियर. आई डोंट नो, आई जस्ट राइट द क्वेश्चन. ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तब देखते हैं. यार इंजीनियर्स तो किसी भी टाइम पे जाते हैं बाहर, फेवरेबल अनफेवरेबल सब चलता है. देखो काम जैसे होता है वैसे वो सब में जाते हैं. यहाँ पे लेजर वॉक की बात चल रही है, ऐसा वाला होगा, चलो घूमने चलते हैं वाला टाइप का. दिल्ली जिस टाइम पे ये पिछली साल जैसे हो गए ना कल, तो वैसे वहां पे भीड़ इस हिसाब से लग गई ना. अनफेवरेबल में ज्यादा जाते हैं वो, जब रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है ना तो ज्यादा मन कर रहा होता है जाने का, क्यों मना कर रहे हैं बाहर, ऐसे क्या है, सभी के साथ ही. तो सही सेंटेंस में रादर को अगर क्वाइट से प्लेस करें तो सही होगा. हाँ यस, हो जाएगा सही. ठीक है, एंड सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा, सेंटेंस तो सही रहेगा. ठीक है, वो एकदम सही रहेगा. तो क्वाइट से रिप्लेस कर सकते हो, कॉफी इज क्वाइट हॉट. ठीक है, मतलब हाँ काफी गर्म है, उस तरीके से बोल सकते हो. तो वो हमारा थोड़ा सा सेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन हाँ सेंटेंस ठीक होगा. ठीक है, रिएक्शन में किसी को सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखना दिखता, बट कॉमन मैन वॉक पे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड यू कांट फाइट देम, यू कांट फाइट देम विद लॉजिक. लॉजिक तो है ही नहीं, ठीक है, स्टूपिड पीपल विद पावर, ऐसा वाला है बस. ठीक है, यू कांट फाइट देम विद लॉजिक. लॉजिक का तो कोई जगह ही नहीं है. मतलब ऐसा है कि तुम दीवार में सर मार रहे हो, ऐसा वाला है तुम्हें पता. और बिल्कुल गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी बस एक्सेप्ट कर लो उस चीज को. There was some story, पता नहीं क्या था, it was monkey becoming the king of the jungle, ऐसा कुछ था, मैं देखूंगा क्या था. was something like that. बाकी यहाँ पे तो ऐसा भी होता है, you can't say much, you can't speak much. सीधे सीधे तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ ना सिम्बॉलिक यूज करो, यूज यू नो स्टोरी है जो चाहे बात करो, सीधे सीधे तो कुछ बोलने का भी नहीं है. Bahrain politics is much stronger than COVID, yes, indeed. The weather is quite cold, applicable है ना सर? हाँ संदीप, applicable है. The weather is quite cold. मुआवजा मिलेगा, मुआवजा किस चीज का मिलेगा? अच्छा वहां पे जाने का, पॉलिटिक्स में एज इन पार्टी में भीड़ लगाने का, सबको एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे क्या? ऐसा होना चाहिए ना, सबको जो जो वहां पे आएगा सबको एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा. ऐसा कुछ होना चाहिए, तब तो वही जाने की समझ में आता है, उसी की सबसे ज्यादा कमी है. हाँ ऑफ कोर्स, ये सब पेड प्रमोशन ही तो होते हैं, और क्या होता है. इसके बाद शाम को पार्टी पील के पार्टी वर्कर पार्टी करते हैं, वही होता है सारा काम. देखो इस टाइम पे क्या बताया, क्या एक और चीज है, यूट्यूब वाले बोलते हैं कुछ भी ऐसा, मुझे तो अभी ज्यादा भरोसा किसी पे भी नहीं होता, बिकॉज यूट्यूब भी ये भी तो सारे बोलने के लिए होता है. हर एक चीज बायस्ड होती है किसी ना किसी तरफ, न्यूट्रल कुछ भी नहीं है. लेफ्ट राइट में से एक तरफ चीजें बायस्ड है, यूट्यूब हो या न्यूज चैनल हो, ठीक है, सब कुछ बायस्ड है. यूट्यूब भी न्यूट्रल नहीं है कहीं से भी, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो न्यूट्रल बहुत ही कम चीजें हैं. कई एक आधी चीजें होंगी जो नेगेटिव होंगी, सच्चाई दिखा रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं, वो जो भी कुछ है सब कुछ बायस्ड होता है. अब ऐसा होता है कि उनके पास जिनके पास पावर है वो मेन मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया को यूज कर लेते हैं, जिनके पास पावर अलग तरीके की पैसा है वो यूट्यूब को यूज कर लेते हैं आजकल, ये है. तो आप देखना न्यूज, मतलब ध्यान देना इस चीज पे, यूट्यूब पे भी अगर आप देख रहे हो तो दे आर नॉट न्यूट्रल, दे आर ऑल्सो बायस्ड. उन्हें वो लेफ्ट या राइट वो डिपेंड करता है. हाँ गेन करने, और मोस्टली ऐसा है कि जब भी कुछ बुरा हो रहा है अभी तो अभी ठीक है, अभी बाहर लोग हैं ना, और पता है इससे क्या होता है ना, लॉयल कस्टमर्स मिलते हैं उन्हें, लॉयल व्यूअर्स. अगर आप एक चीज थोड़ी नेगेटिव की जगह वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव दिखा रहे हो, या दूसरे इंसान के लेफ्ट राइट की जगह लेफ्ट को सपोर्ट करो, तो भी आपको व्यूअर्स मिलेंगे, वो लॉयल व्यूअर्स होंगे बिल्कुल.
हमेशा देखेंगे कि हाँ ये बंदा दिमाग की बात कर रहा है ऐसा वाला। हाँ ये तो दिक्कत है, प्रोवोकिंग होता है आजकल सब कुछ, थॉट प्रोवोकिंग कुछ होते ही नहीं है, थॉट प्रोवोकिंग बात ही नहीं होती किसी से। हाँ यस करेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और मैं सेंटेंस लिखता हूँ पहले, वरना इन लोगों की राजनीतिक चेयर में हम लोग अपना चाइवेज करेंगे सर। से एक कमेंट की देरी होती है, उसके बाद कुछ भी चेंज हो जाता है, होना शुरू हो जाता है ना। अच्छा हम लोग बातचीत आगे बढ़ जाती है ऐसा संदीप, किस चीज़ के लिए बोले एक कमेंट की देरी होती है? करेक्ट। अच्छा दिखता है ना ये किस तरीके से डाइवर्ट करते हैं, मतलब पूरा मजे लेते हैं पब्लिक के भी, ठीक है। मतलब मैंने कहा ना लॉजिक वॉजिक तो भूल जाओ बिल्कुल, कोई मतलब ही नहीं, यू कांट रीजन विद देम, दूर रहो चुप हो जाओ ऐसा वाला है, रीजन तो कर ही नहीं सकते आप। देश चलाने, देश तो खुद ही चल रहा है मुझे बस ऐसा लग रहा है, चूहे चल रहा है ये तो क्या ही चलाएंगे। डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर, वॉज fairly unjustified. ठीक है अब देखो सेंटेंस अब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है कि कैसे यूज इस पे क्वेश्चन कैसे मिलेगा, और अगर हमें आता है तो पता चल जाएगा कि क्या करना है। ठीक है द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वाज फेयरली अनजस्टिफाइड। अब कोई चीज क्या करेंगे उसमें, समझ में आ रहा है ना, जब बोल रहे अनजस्टिफाइड है ठीक है, नेगेटिव में है मतलब चीजें फेवर में नहीं गई है, तो आप वहां पे फेयरली यूज नहीं करोगे, वहां पे क्या यूज करोगे रादर, है ना। तो द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वाज रादर अनजस्टिफाइड, बल्कि ऐसा नहीं कि बल्कि हम तो कहेंगे भाई सही अमाउंट नहीं दिया गया ऐसा कुछ, तो आप वहां पे रादर यूज करोगे ना कि फेयरली, ऐसी जगह पे यूज किया जाता है। समझ में आया नहीं आया सेंटेंस, मतलब अब कि हम अब कंपेयर कर पा रहे हैं कि फेलियर और अदर में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से यूज करना है। यस ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट। You're saying, asking something, Aniket? लोग कुछ लिख रहे थे। ठीक है, तो फेयरली और रादर का ये बेसिक यूज है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसमें देखेंगे। अच्छा वैसे ये भी बोला जाता है कि फेयरली के साथ हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लेजेंट एडजेक्टिव यूज करते हैं और रादर के साथ में अनप्लेजेंट, लेकिन रादर के साथ में अनप्लेजेंट के साथ साथ प्लेजेंट भी आता है। ठीक है दिस इज रादर गुड, इस तरीके से बोलते हैं। इस यूज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि फेलियर और अदर को और कैसे यूज करते हैं, या पहले वाली किसी सिचुएशन से किसी स्टेटमेंट से अगर आप उसके कंट्रास्ट में अगर कुछ बोल रहे हो ठीक है, तब अब भी आप रादर का यूज करते हो। ठीक है दिस इज रादर नाइस, दिस इज रादर समथिंग समथिंग लाइक दैट। ठीक है तो रादर को इस तरीके से भी यूज करते हैं, वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे। यहां तक समझ में आया सबको? बढ़िया, तो इसे यहां तक रखते हैं आज, और पढ़ते भी रहा करो पहले वाली चीजें थोड़ा बहुत, ठीक है इसलिए इस क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी।
एरर्स देख लिए, क्वेश्चंस कर लिए, वो नोट करते रहा करो। अब तो आपके पास शीट्स वीट्स ऐसे आती रहती है ना। ओके क्वेश्चन, ले एंड लाई में क्या डिफरेंस है? ले एंड लाई में, ले का मतलब जैसे दे लीड द ब्रिक्स ऑन द फ्लोर, ले उस वाली सेंस यूज करो, बिछाना, ठीक है। लाई का मतलब एक तो झूठ वाला होता है, उसमें तो आपको शक नहीं होगा, मतलब वो तो अलग चीज हो गई। लाई का मतलब होता है लेटना, ठीक है। लाई का मतलब आई वॉज लाइंग ऑन बेड, ठीक है, आई वॉज लाइंग ऑन बेड, उस वाले सेंस में आएगा एल आई ई वाला। और ले का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे दे लेड द ब्रिक्स या द टाइल्स ऑन द फ्लोर, ठीक है, उस चीज को बिछाना, उस वाले सेंस में। तो एक खुद ही बिछाना होगा, लेटना हो गया, और एक को किसी चीज को, ठीक है, बिछाना, इस वाले सेंस में यूज करेंगे। तो याले में आप कुछ काम कर रहे हो किसी और चीज में, और लाए में खुद लेट रहे हो, ठीक है, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस चीज को। लेट्स कीप इट टिल हियर। ओके चलिए, थैंक यू गाइस, सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके और ओके थैंक यू गाइस। व्हाट हैपेंड?